कि सच बात कितनो समझाई झूठे बुझतिया नवरातन भूखल दिया बिन देखले बुझतिया नवरातन भूखल दिया एक बहन जी दुर्गा पूजा के लिए जा रहे थे, दास भी ऐसे बैठा हुआ था, तो कहा कि बहन जी ये महात्मा जी कहाँ जा रही हैं लेकर के। तो उन्होंने कहा कि आप पूछ लिए आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहने आप ही की पुत्री है ना, कहा कि हाँ ये हमारी बेटी है, चूँकि ज़्यादा पढ़े लिखे हैं इसलिए बात समझ में नहीं आ रहा है इनको कि निरंकारी मिशन क्या है, आप कृपा करके कुछ करें कि ताकि ये भी निरंकारी मिशन में आ जाएं। तो दास ने पूछ दिया कि बहन जी कहाँ जा रहे हैं, तो बहन जी ने क्या कहा कि दिखाई नहीं दे रहा है, हम कहीं दिखाई देता तो हम क्यों पूछते आपसे, हमें तो नहीं दिखाई दे रहा कि आप कहाँ जा रही हैं, हाँ तो दुर्गा जी की पूजा करना। दास ने बोला कि दुर्गा जी की पूजा असली की नकली, इसलिए कि संसार में दो दुर्गा जी हैं, एक को भगवान ने बनाया और एक दुर्गा जी को आदमी ने बनाया, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप भगवान की बनाई हुई दुर्गा जी को पूजा करने जा रहे हैं कि आदमी की बनाई हुई दुर्गा जी की पूजा करने जा रहे हैं। यही आकर के वो उनका दिमाग थोड़ा चला, थाली रख देती हैं, बैठ जाती हैं, कहते कि दोनों का संदिग्ध करके दोनों का सही अर्थ बतलाइए। हम कहें कि परमात्मा की बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं ये दुर्गा जी का असली स्वरूप है, या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता। दुर्गा जी ने कहा कि मेरा ही स्वरूप ये पूरा संसार है, या देवी सर्वभूते, ये वो मंत्र है जिसे दुर्गा जी की आँख खोलती है, ये वो मंत्र है कि जिसे दुर्गा जी की आँख खोलती है। बहन जी ने कहा कि तो दुर्गा जी आपका कहने का मतलब कि हम सब लोग हैं, मगर यस इसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि दुर्गा जी ने कहा कि मैं सारे जीवों में नहीं निवास करती हूँ, और दुर्गा जी ने नहीं बिहार के प्रसिद्ध गायक भरत जी ने गाया कि संतन के तारे लू असंतन के मारे लू हो बास करे लू हर ठैया ये देवी मैया। क्या हमने ऐसे देवी को जाना जिसका बास हर जगह मौजूद है, गाना तो सुन लेते हैं, गाना तो सुन लेते हैं कि हर जगह हर ठाव उनका ही है, लेकिन क्या हमने इस लाइन पर विश्वास किया। अब बहन जी ने आगे जा रहे हैं न पीछे जा रहे हैं, बैठ गए, ज्ञान की चर्चा होने लगी दुर्गा जी पर। हम कहने हमारी बात मत मानिए, आप दुर्गा जी का जो किताब है आपके थाली में उसको पलटिए और देखिए क्या कह रही है और आप कर क्या रही हैं। कहता सो करता नहीं मुंह का बड़ा लबार, एक दिन ठोकर खाएगा प्रभु के दरबार। यानी कह रहा है लेकिन कर नहीं रहा है। पन्ना जब उलाटते हैं तो उसमें लिखा था नमो नमो अम्बे दुख हरनी, नमो नमो अम्बे सुख करनी, निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तीन लोक फैली उजियारी, रूप मात को अधिक सुहावे, दरस कर गजन अति सुख पावे। जो इसका दर्शन करेगा, जो इसका दर्शन करेगा वही सुख को प्राप्त करेगा। किसका दर्शन? तो निराकार स्वरूप को, निराकार स्वरूप को देखती कहती मैं रोज पढ़ती थी लेकिन निराकार मुझे समझ में नहीं आता था। आज आपने निराकार के बारे में टिप्पणी की तो आज ये बात समझ में आ रहा कि निरंकार इसमें लिखा है, अंकल लिखा है लेकिन आप करना नहीं चाहते। उसमें साफ साफ लिखा है निराकार है जो तुम्हारे तुम्हें सदा, एकदम निरंकार लिखा हुआ है। हाँ लिखा है। दुर्गा जी ने कहा कि मैं निरंकार हूँ, ये जो मेरा रूप देख रहे हो ये नकली है, ये तो आगे में जला दिया जाएगा, इसके पीछे नहीं पढ़ना है। तो ये दुर्गा जी ने ही नहीं, ये राम ने भी कहा, राम ही ने नहीं शंकर जी ने भी कहा, गणेश जी भी कहे, ये सारे लोग बतलाए कि आपको शरीर के पीछे नहीं रहना है, आपको उस निराकार के पीछे रहना है, क्योंकि शरीर एक माध्यम है, इससे मोह करोगे तो खत्म हो जाएगा, तो रोना पड़ेगा। इस नकल नकल के भीतर असल छिपा है, लिखा है ना अवतार वाणी में, नकल के पीछे असल छिपा है, इसी असल की पहचान करें।
सत्संग जी प्यार से आइए उस भजन को दास ने सुनाया कि साच बात कितनो समझाई अरे झूठे बुझतिया कि साच बात कितनो समझाई झूठे बुझतिया नवरातन बुझल दिया बिन देखले तू जतिया नवरातन बुझल दिया सेव संतरा हरी छाल के पालन करतिया कहले पर जलतिया नवरातन बुझल दिया मने बवाल नहीं भाई कहीं बवाल नहीं तेरे को पीछे ला बवाल ना समझे वाला पाल पाल समझ जैसे समझा ना पूरा समझात गए ना गाना गाते थे उसमें समझाते भी थे तो समझा दे तो खुल गया ना खुल गया साच बात कितनो समझाई झूठे बुझतिया नवरातन रुकल दिया बिन देखले पूजा दिया नवरातन रुकल दिया निराकार रूपाला हवे दुर्गा माई के कल दर्शनवा सदगुरु चरण में जाई के अरे घोर आचरण के द्वारा शरीर सुखावतिया नवरात्र रुकल दिया दिन देखले पूजतिया नवरात्र रुकल दिया प्रभु जी के जाने खातिर मानो तन मिलल बा होई हम हिसाब जवन समान कह के दीहल बा बायन मोले श्वास के पूजी बायन मोले श्वास के पूजी फिरी लुटावतिया नवरात्र रुकल दिया दिन देखले पूजतिया सूरज चांद सितारा के देख के बनावल देख के बनावल रहल लोग कहाँ ऊपर लटकावल नीचे धरती पानी आग प्रभु जी बनावले तोहरे ही खातिर सगरो दुनिया सजावले सुख साराई देता के सुख साराई देता के उनके न जानतिया नवरात्र रुकल दिया दिन देखले पूजतिया नवरात्र रुकल दिया कि साच बात कितनो समझाई झूठे बुझतिया नवरात्र रुकल दिया दिन देखले पूजतिया नवरात्र रुकल दिया देव संतरा हरी छाल के पालन करतिया कहले पर जलतिया नवरात्र रुकल दिया प्यार से कहिए जी।